बलरामपुर जिले के हरैया थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत गुलरीहा हिसामपुर के चौराहे पर बालाजी गारमेंट्स रेडीमेड कपड़े की दुकान करीब 5 वर्ष से चल रही है। गुरुवार रात करीब 8 बजे दुकान स्वामी अरुण कुमार गुप्ता पुत्र जगदेव प्रसाद दुकान बंद कर कुछ दूरी पर स्थित भोजन करने चले गए। करीब 8:30 बजे स्थानीय लोगों ने फोन से सूचित किया कि आपकी दुकान में आग लग गई है। आनन फानन में आकर देखा तो दुकान के अंदर से आग की लपटें निकल रही थी। शटर खोलने की कोशिश की लेकिन नहीं खुला। पीछे से दीवार काटकर किसी तरह अंदर प्रवेश किया तो देखा कि बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई है और बिजली मीटर, अन्य बिजली उपकरण, फ्रिज, पंखा, लैपटॉप, फर्नीचर के सभी सामान व कपड़े जल रहे हैं। तुरंत हरैया थाने पर तथा फायर सर्विस को जानकारी दी। घंटों बाद पहुंची फायर सर्विस की गाड़ी ने ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक लाखों का सामान जलकर राख हो चुका था। जनी में आपका क्या क्या जला है? हमारा सारा माल 50 लाख रुपए का कपड़ा जल गया और इन्वर्टर, बैटरा, फ्रिज और 3 लैपटॉप, उसमें घड़ियाँ थी, कोई डॉक्यूमेंट भी थे वो नहीं मिल रहे हैं। फर्नीचर था, कम से कम 1 लाख रुपए का फर्नीचर। कपड़े की दुकान थी। कितने दिनों से कर रहे हैं दुकान आप कपड़े? दुकान मान लीजिए 2020 से कर रहे हैं। तो ये आग कैसे लगा? ये आग सर लग रहा है कि शॉर्ट सर्किट से ही हुआ है। टोटल कितने नुकसान हुआ होगा? तो टोटल 50 लाख प्लस। कैश? कैश था उसमें सर 35 लाख, वो 35,000 रुपये, 30-35 हज़ार रुपये था उसमें। और कुछ नुकसान डॉक्यूमेंट या और कुछ? डॉक्यूमेंट तो बच गए उसमें। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।